हेलो एवरीवन। सो आज हम बनाने वाले हैं खेतड़ी नगर मतलब कोपर का एक छोटा सा ब्लॉग। ओके, यहाँ मैक्सिमम ये जो पूरा टाउन है मैं सिर्फ वही दिखाने वाली हूँ खेतड़ी नगर का। इस टाउन के अंदर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बैंक्स, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सब कुछ आ जाएंगे। ओके, तो ये खेतड़ी नगर आपने नाम सुना होगा, आपने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा। यहाँ कॉपर की माइंस है, वो बहुत फेमस है। लेट्स गो। तो ये है कॉपर का मेन बस स्टैंड, वो सामने जो दिख रहा है वो बस स्टैंड है, और ये खेतड़ी नगर है। और हम जाने वाले हैं आज़ाद मार्केट की तरफ क्योंकि मेन स्टैंड वहीं होता है, और इधर से हम शॉर्टकट से कॉपर के अंदर जा सकते हैं। सामने के भी स्कूल मिलेगी और कुछ क्वार्टर्स भी। तो हम चल पड़े सिंघाना से आज़ाद मार्केट की तरफ कोपर मेन बस स्टैंड से होके। देखिए मेन बस स्टैंड ही है, लेकिन ज़्यादा भीड़ आज़ाद मार्केट पे होती है क्योंकि वो डायरेक्ट जो मेन कोपर का सेंटर है वहाँ निकलता है। ठीक है, तो ये हम चल पड़े कोपर की ओर और बस ये कुछ ही दूर है, आप पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। जो सामने दुकानें दिख रही है, यहाँ काफ़ी दुकानें मिल जाती है, और एक लेफ्ट साइड में एक छोटा मंदिर भी होगा शिव जी का, उधर दुकानें हैं। और वो जो सामने दिख रहा है पिंक कलर का, वो मंदिर है। और हम यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट साइड में जो कोपर की ओर जाता है, सामने जाएंगे तो खेतड़ी पहुँचेंगे हम, और ये खेतड़ी नगर है जहाँ कोपर की माइंस है और क्वार्टर्स है। ओके, और यहाँ से लेफ्ट साइड में है नेहरू मैदान, और राइट साइड में सिर्फ क्वार्टर्स है। ये नेहरू मैदान यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड है, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, योगा दिवस, सारे प्रोग्राम्स यहीं कराए जाते हैं। उधर क्वार्टर्स दिख रहे होंगे, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसका एरिया मैं आपको बाद में बताऊंगी, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन ये 2 किलोमीटर है शायद। इसमें ट्रैक भी बना हुआ है, लोग बहुत घूमने आते हैं यहाँ, सुबह शाम बहुत भीड़ होती है। और जो सामने आने वाला है सेंटर मार्केट, तो सेंटर मार्केट में यहाँ ये शाम का टाइम होने वाला है और ये रेडीज आ गई है सारी। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, छोले भटूरे, आइसक्रीम, बर्गर, आलू टिक्की, जूस, एवरीथिंग। तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, और वहाँ सामने हम जा रहे हैं उधर क्वार्टर से चारों ओर, उधर जगदम्बा मार्केट का रास्ता था जो मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये भी क्वार्टर्स है, ये हॉस्टल है छोटा सा, इसमें भी क्वार्टर्स ही है सिर्फ। और ये हम मुड़ने वाले हैं लेफ्ट साइड में, अगर हम राइट में मुड़ते हैं तो वहाँ पिक्चर पार्क आता और धर्मशाला आती, लेकिन इधर भी उधर बाद में जाएंगे हम। तो हम चलते जा रहे हैं राइट, अब सुभाष मार्केट आने वाला है शायद। नहीं, ये है जाट धर्मशाला। यहाँ हर कोस्ट के जाम धर्मशाला मिली है लगभग, और ये जाट धर्मशाला के बाद एक मंदिर है, और फिर है ये सुभाष मार्केट। यहाँ भी काफ़ी चीज़ें मिलती है, ये इधर एक लेयर है दुकानों की, और इसके उस साइड भी काफ़ी दुकानें हैं। तो ये एक दूसरा मार्केट है, सबसे बड़ा मतलब जो बड़े मार्केटों में से एक है सुभाष मार्केट। और हम अब चलते जा रहे हैं, और इधर राइट में आएगा सरकारी स्कूल, और अगर हम सीधे जाते हैं तो हमें मिलेगा न्यू मार्केट। ये सरकारी स्कूल है यहाँ की, गवर्नमेंट स्कूल जो 12th तक है। और अगर हम सीधे जाते हैं तो हम शॉर्टकट से सिंघाना पहुंच सकते हैं, और इधर सिर्फ क्वार्टर्स होंगे, और लेकिन हम डायरेक्ट सीधे ना जाके बीच में मुड़ेंगे जहां मैं आपको हाथी पार्क दिखाऊंगी। और ये है यादव धर्मशाला, यहाँ की यादव धर्मशाला है जिसका नाम चेंज करके श्री कृष्ण वाटिका रखा गया कुछ दिन पहले ही। ओके, और इधर चार और क्वार्टर्स है, अगर आप इन गलियों में जाओगे तो आगे और गली आएगी और आप क्वार्टर्स में चलते जाओगे बस। ओके, और ये सारे रास्ते
कहीं ना कहीं मिलते हैं, ये यहाँ की खास बात है। आप किसी भी रास्ते में घुसो वो ख़त्म नहीं होता, वो दूसरी गली में निकल जाता है, वो गली दूसरे में निकलती है और ऐसे करके मेन रोड आई जाती है। तो अब हम एक शॉर्टकट पकड़ के जाते हैं हाथी पार्क की तरफ। ये थोड़ा मिट्टी वाला रास्ता है पर इन गलियों से भी आगे बस क्वार्टर्स ही क्वार्टर्स मिलेंगे। और यहाँ हर काफ़ी कुछ चारों ओर जो क्वार्टर्स की लेयर्स हो जाती है उसके बाद में एक पार्क मिलता है, ये एक पार्क या ग्राउंड, और ये है हाथी पार्क। इसे हाथी पार्क कहते हैं क्योंकि वहाँ देखना, ये देखो हाथी बना हुआ है पत्थर का वहाँ पे, जो काफ़ी टूट चुका है लेकिन फिर भी अभी तक हाथी पार्क ही कहा जाता है, हाथी तो है ना। और ये एक छोटा पार्क है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उधर मंदिर है और हम अब किसी ना किसी शॉर्टकट से निकलने वाले हैं बाहर, देखते क्या आता है आगे। थोड़ा धीरे चलाना पड़ रहा है गाड़ी की वजह से, आगे गाड़ी है। इधर सारी गलियाँ जा रही है क्वार्टर्स की तरफ और हर गली में आपको बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। और ये जो उधर दिख रहा है, ये जो बाउंड्री है, ये है नर्सरी की। नर्सरी से नर्सरी कहते हैं लेकिन ये बहुत पहले केंद्रीय विद्यालय की जो नर्सरी और एल के जी यू के जी क्लासेस थी वो यहाँ लगती थी। तो इसके अंदर एक कुआ है जहाँ पे लोग गणगौर के टाइम पे वो उद्यापन करने आते हैं। ये बहुत बड़ी है लेकिन ये बंद हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खंडर बचा है। और हम इसके पास में से गलियों से होके न्यू मार्केट की तरफ निकलने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। और ये हम निकल गए, जो वो रास्ता जा रहा है सड़क वो जाती है डायरेक्टर बंगलो के पास, और जो वो डायरेक्टर बंगलो एकदम सिंघाना के पास निकलता है। और ये हम जा रहे हैं न्यू मार्केट। वैसे मैं चाहूँगी आप अंदर से देखो न्यू मार्केट को, क्योंकि बाकी सारे मार्केट्स में हम अंदर नहीं घुस सकते लेकिन इसके हम अंदर से भी जाके मैं दिखा सकती हूँ। तो हम जाते न्यू मार्केट की तरफ, तो ये आ गया न्यू मार्केट। और ये हम ये देखो चारों ओर इसमें दुकानें ही दुकानें हैं। इधर बुक्स की दुकान भी है, दवाइयों की भी है, सिलाई की भी है, कपड़ों की भी है, मिठाइयों की भी है और ग्रोसरीज की भी है, बहुत सारी दुकानें मिलेगी आपको। और अब हम जब सामने जाएंगे तो राइट साइड में हमें वो भी मिलेगी, केक्स और चॉकलेट्स, बेकरी की दुकानें भी मिलेंगी हमें यहाँ। उधर खूब सारी बेकरीज है और फ्लावर्स की भी दुकानें हैं, अगर आपको किसी के लिए रोज़ चाहिए तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और इधर मिठाई की दुकान भी है और बहुत सारी दुकान है। तो ये है न्यू मार्केट और हम अब सोच रहे हैं हम किधर जाएं। चलो फिर हम स्कूल दिखाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में बाउंड्री है अभी दिखेगी, हम उधर से आए थे, हम डायरेक्ट उधर से भी आ सकते थे। और अब लेफ्ट साइड में है केंद्रीय विद्यालय, देखो ये पुराना गेट है, पहले हम उधर से जाया करते थे लेकिन अब नया गेट हो गया इसका। और हम सीधे आते तो न्यू मार्केट से अंदर घुस सकते थे राइट साइड से। और ये जो लेफ्ट साइड में बाउंड्री है ये पूरी केवी की है, उधर क्वार्टर्स है और बीच में एक छोटा मैदान है खाली, और ये केवी की बाउंड्री। और अभी दो बड़े बड़े ब्रेकर्स आएंगे और फिर हमारा मेन गेट आने वाला है। तो ये रहा केवी का मेन गेट, केंद्रीय विद्यालय, मेरी स्कूल। और सामने हम मेन बस स्टैंड की तरफ भी निकल सकते हैं सामने से। और ये देखो ये मेरी स्कूल, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही लेकिन थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये पूरी बाउंड्री है स्कूल की। और उधर हम उसी गली में मुड़ गए, अगर हम राइट में सीधा जाते तो नेहरू मैदान आता जो मैंने पहले दिखाया था सेंट्रल मार्केट के पास। और ये है मेरी स्कूल बिल्डिंग्स। लेफ्ट में भी स्कूल की बाउंड्री आएगी लेकिन हम जा रहे हैं सीधे, क्योंकि चारों ओर सिर्फ क्वार्टर्स है जो आप वैसे ही देख लोगे मेन रोड से भी। तो अब हम जाने वाले हैं लेफ्ट साइड, सामने जाएंगे तो वापस से वो SBI बैंक और सेंट्रल मार्केट आएगा, और सेंट्रल मार्केट आप देख चुके हो राइट, लेकिन बाद में फिर से दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत अच्छा है।
फेवरेट स्पॉट वो ही है सबका। और ये आ गया दीन बंधु मैरिज पैलेस एंड रेसोर्ट। ये पहले सिनेमा हॉल हुआ करता था, पर यहाँ कौन मूवी देखता है, तो इसको चेंज करवा दिया गया मैरिज हॉल में। यहाँ एनुअल फंक्शन भी मनाए जाते हैं हमारी स्कूल के। और सामने वो फिर से जाट धर्मशाला आ गई जो मैंने पहले दिखाई थी जब हम सेंटर मार्केट की तरफ से आए थे। और हम इधर से भी सामने जाके आगे जाके थोड़ा फिर मुड़े थे और न्यू मार्केट आ गया था। और हम न्यू मार्केट से इतना घूम के आए और वापस यही जाट धर्मशाला आ गई। देख लो, और ये वही हॉस्टल है जो मैं आपको दिखा रही थी उस टाइम। और सामने सिर्फ क्वार्टर्स है, इन क्वार्टर्स के बीच में से गलियां जा रही है, वो भी वही जाने वाली है जहाँ अब हम मेन रोड से जाने वाले हैं। अगर हम सीधा जाते हैं तो मानोता नाम का एक गांव आता है, वहाँ रोड अच्छी है लेकिन, और लोग सीखने जाते हैं वहाँ बाइक्स, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती। और लेकिन हम राइट मुड़ने वाले हैं क्योंकि हमें सिर्फ कॉपर में रहना है राइट। तो अब सामने फिर से ब्रेकर आएगा एक बड़ा सा, दो ब्रेकर आएंगे बड़े बड़े। और इधर क्वार्टर्स है आगे तक, जहाँ तक ये पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ तक क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स है, बहुत क्वार्टर्स है। और ये ब्रेकर आ गए तो थोड़ा धीरे। और अब हमें दिख रहा है सामने पिक्चर पार्क और एक धर्मशाला भी इधर, बाद में दिखाऊंगी वो भी मैं। ये पिक्चर पार्क है, ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, शायद नेहरू ग्राउंड के पास सबसे ज़्यादा भीड़ इसी ग्राउंड में है। और ये हमारे घर से काफ़ी करीब भी है, बच्चे खेल रहे हैं इसमें और काफ़ी हरा भरा भी है ये। और साइड में इसके भी ट्रैक्स है तो लोग सुबह शाम इसमें दौड़ने घूमने आते हैं। और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो भी एक छोटा सा पार्क है, ग्राउंड होगा, खाली मैदान होगा सिर्फ। और अगर राइट में जाते हैं हम तो वहाँ से निकलता है जगदम्बा मार्केट, वो भी काफ़ी बड़ा है। और ये दिख रहा है क्वार्टर से क्वार्टर्स, और क्वार्टर्स के बीच में होगा एक छोटा सा ग्राउंड। और ये हम सामने जाते हैं तो वो रहा छोटा वो ग्राउंड, यहाँ एकदम शांति रहती है। तो अगर आपको शांत जगह चाहिए तो आप इस ग्राउंड में भी आ सकते हो, ये मुझे खाली खाली लगा। और ये करने वाले भैया, और अब हम जाने वाले, अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो वही पिक्चर पार्क आता, पर हम राइट में जाने वाले क्योंकि वो आप देख चुके हो। जो सामने दिख रही है वो है पानी की टंकी, यहाँ कोपर में सबसे बड़ी टंकी यही है। और अगर आप किसी से पूछते हो कि पानी की टंकी कहाँ है तो यही रास्ता बताएगा। और वो सामने एक और धर्मशाला है, देखते हैं कौन सी है। और ये है गुज्जर धर्मशाला, और इसके पास में एक छोटा सा मंदिर भी है। और अगर हम वहाँ से लेफ्ट में जाते सीधे तो खेतड़ी की तरफ निकलते हैं हम एक शॉर्टकट से। अरे ये ड्राइवर भैया गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं हमें। ओके, अब हम जा रहे हैं जगदम्बा मार्केट की तरफ। ये सारे शॉर्टकट्स है, हम डायरेक्ट पिक्चर पार्क से भी जगदम्बा मार्केट जा सकते थे और डायरेक्ट सेंटर मार्केट से भी जा सकते थे। अभी दिखाऊंगी मैं रास्ता, ये एक बहुत लंबा शॉर्टकट है। मतलब जो इस साइड रहते हैं उनके लिए शॉर्टकट है, लेकिन हमारे लिए लॉन्ग कट ही है। उधर से वो लोग खिचड़ी से आ रहे हैं प्रोबेबली। और हम जाने वाले हैं जगदम्बा मार्केट की ओर। ये घुस गए, इधर से लोग दूध वगैरह लेते हैं, यहाँ काफ़ी डेरीज है, यहाँ प्राइवेट घर ज़्यादा है पीछे की साइड में। और यहाँ से शुरू होते हैं क्वार्टर्स फिर से, और हम चलते जा रहे हैं जगदम्बा मार्केट की तरफ। पता नहीं है स्कूल बस हमेशा मुझे यहीं क्यों मिलती है। और अगर हम इधर से लेफ्ट मुड़ते हैं
तो एक छोटी सी गली है जिसमें कुछ दुकानें हैं, और ये जो राइट साइड में देखो सामने पिक्चर पार्क दिख रहा होगा, अगर हम सीधे चलते हैं उस पिक्चर पार्क आता है, हम शॉर्टकट भी ले सकते थे। इधर भी सामने पिक्चर पार्क ही दिखेगा, वो सारे रास्ते सेम मुड़ते हैं, और इधर से भी यहाँ एक बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे भी दुकानें हैं, और ये शायद ये सबसे बड़ा मार्केट होगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ हर सामान मिलता है आपको, सारा सामान, मतलब किताबों की बड़ी दुकान यही है, और मिर्च मसाले मिठाई सब। इधर लेफ्ट साइड में गली भी होगी जो जिसमें खूब सारी दुकानें होगी एक छोटे मॉल की तरह, और ये हम चलते हैं इधर से बाहर। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको सोफिया स्कूल। ओके, यहाँ की मेन फेमस स्कूल्स ये तीन चार ही है, एक सोफिया हो गई, एक सेंटर अकेडमी केंद्रीय विद्यालय, एक वो गवर्नमेंट स्कूल। ये यहाँ चर्च है, देखो लेफ्ट साइड में ये चर्च है, ये यहाँ का चर्च आ गया, और वो जो सामने दिख रहा है वो सोफिया स्कूल ही है, ये सोफिया स्कूल का गेट है। हमारे बोर्ड के सेंटर्स आया करते थे यहाँ पे, ये 10th तक है, और ये हम जा रहे हैं एक शॉर्टकट पकड़ के फिर से सेंटर मार्केट की तरफ। अगर हम लेफ्ट साइड में मुड़ते तो गलियाँ आती और तो प्राइवेट घर आते, पर वहाँ हमारे फिजिक्स वाले सर भी रहते हैं तो मैं उनके सामने नहीं जाने वाली। तो अब हम जा रहे हैं सेंटर मार्केट की तरफ, उधर भी चारों ओर क्वार्टर्स क्वार्टर्स है सिर्फ, और ये हम निकल गए। इधर भी क्वार्टर्स है एक हॉस्टल के फॉर्म में, और ये भी क्वार्टर्स है, और अगर हम लेफ्ट साइड में जाते तो वही आज़ाद मार्केट आता, और देखो वो रहा आज़ाद मार्केट जहाँ से हम सबसे पहले घुसे थे, ये लेफ्ट में था नेहरू मैदान और ये राइट में सेंटर पार्क, वो सेंटर मार्केट, ये नेहरू मैदान, और वो जो सामने है वो है सेंटर अकेडमी स्कूल। ठीक है, और ये हम चलते जा रहे हैं, और चलो फिर से चलते हैं हमारी स्कूल की तरफ, केंद्रीय विद्यालय की तरफ, क्योंकि मैंने सोफिया भी दिखा दी और सेंटर अकेडमी भी दिखा दी, और मेरी फेवरेट तो केवी है तो वो तो मुझे दो बार दिखानी बनती है, नहीं पर मुझे सिर्फ रास्ता दिखाना है, ये मैं मैदान चारों ओर से दिखा रही हूँ, उधर से पहले हम आए थे अब हम इधर से जा रहे हैं। ओके ओके, और ये हम जब एक क्वार्टर से, हम पहले स्कूल से डायरेक्ट राइट साइड में मुड़ गए थे, अब की बार हम मुड़ने की बजाय सीधे जा रहे हैं, और एक क्यूट सा बेबी मुझे पहले ही मिला था, वहाँ से मुड़ गए थे राइट साइड में, और हम रास्ता घूम के इधर आ गए। वो मेरी स्कूल, माय गॉड, और ये हम चलते जा रहे हैं। पहले हम वहां से सीधे आए थे है ना, और हम अब की बार उसके जस्ट उल्टी साइड से आए हैं। इधर ये वुमेन्स क्लब है और यहाँ डांस क्लासेस भी चलती है, और अगर हम सामने जाते तो एक छोटा सा मैदान फिर से हमें दिखता, और ये हम सामने चलते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में भी हम उधर ही निकलते हैं जहाँ से हम जो गली हमने पहले देखी थी वुमेन्स क्लब वाली, और अब राइट साइड में है न्यू मार्केट जो हम पहले देख चुके हैं, और ये जो सामने है ये KCC हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिर्फ यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और ये एक बैंक है IOB का, इंडियन ओवरसीज का, और ये हम आ गए कोपर के मेन बस स्टैंड की तरफ। राइट साइड में सिंघाना है और लेफ्ट में जाते तो हम वहाँ पहुँचते जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं सिंघाना की ओर, और ये हम चल पड़े। वो सामने जो राइट साइड में दिख रहा था अभी येलो कलर का, वो था कोपर क्लब का गेस्ट हाउस। फिर से आ गए न्यू मार्केट के इस तरफ। ओके, ये आप देख सकते हैं
मैंने बीच में वहाँ सिंघाना से वापस मुड़ के यहाँ आ गए, तो हमने चेंज कर लिया रास्ता और हम अब जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, सामने वही सेंटर मार्केट आता और ये आ गई मस्जिद राइट में। सिर्फ क्वार्टर से क्वार्टर दिख रहे होंगे आपको, सामने भी सिर्फ क्वार्टर है, चारों ओर सारे क्वार्टर से क्वार्टर है यहाँ पे। ये छोटा सा फिर से एक मैदान और उधर सुभाष मार्केट। मैंने पहले ये भी दिखाया था और हम फिर से गलियों में घूम के यहीं पहुंच गए, देखा। और ये चारों सिर्फ क्वार्टर से क्वार्टर्स, और ये दीन बंधु के राइट साइड में फिर से सेंटर मार्केट की तरफ हम चले जाते हैं और लेफ्ट साइड में हम पहुंचते हैं फिर से जान धर्मशाला की तरफ। और वो जो सामने दिख रही है वो है चार तरफ।